तो गाइस पहले तो मुझे ये बताओ कि आप में से कौन कौन टॉम एंड जेरी देखता था। मुझे डेफिनेटली पता है कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, मैं भी पर्सनली बचपन में बहुत देखता था। और बचपन के अंदर जो टॉम है वो जेरी के लिए एक माउस ट्रैप लगाता था जो कि कुछ इस तरीके से काम करता है। देखो काफी सिंपल सा मैकेनिज्म होता है, एक बीच में स्प्रिंग होती है और जैसे ही हुक हटता है इधर से एक चीज आती है और वो जेरी को दबोच लेती है। तो गाइस यार वो होता है माउस ट्रैप। लेकिन गाइस वो बचपन की बात थी, अभी अपन हो चुके हैं बड़े और बड़े होने पर भी वो चीज मेरी फेवरेट है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने बनाया है दुनिया का सबसे बड़ा माउस ट्रैप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पहली बात तो इस वीडियो को पूरी देखना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसे बनाने में यकीनन बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो चलो फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरे 7 दिनों की मेहनत लगी, कई बार चीजें टूटी, कई बार हमने उन्हें वापस जोड़ा, कई बार नए नए डिजाइन बनाए, लेकिन उसके बाद फाइनली हमने बनाया है इस बैड बॉय को। तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि ये है दुनिया का सबसे बड़ा माउस ट्रैप। ये टाइटेनियम आर्मी के लेवल का माउस ट्रैप है और यकीन मानो कि ये बैड बॉय इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी की जान भी ले सकता है। तो यकीन मानो कि इसके नीचे तो कोई भी आना नहीं चाहेगा, और अगर कोई गलती से आ गया देन चिल बाबा चिल। तो गाइस यार अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसे कैसे बनाया। तो गाइस यार टाइटेनियम आर्मी का लेवल का बनाने के लिए और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल माउस ट्रैप का डिजाइन होता है उसे बरकरार रखने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर स्प्रिंग्स का इस्तेमाल किया है। गाइस यार यहाँ पर हमने कार की बड़ी बड़ी पावरफुल स्प्रिंग्स का इस्तेमाल किया है और आप देख सकते हैं कि ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि एक ट्रेडिशनल माउस ट्रैप काम करता है। देखो लेकिन गाइस जब ये स्प्रिंग्स फुली लोडेड होती है यानी कि इन पे पावर होती है तब इसे इधर से इधर लेके जाना बहुत ज्यादा भारी काम है, बहुत ही ज्यादा। ऐसे ले जाते टाइम अगर गलती से भी छोटी सी गलती होगी तो ये आपको उठा के ऐसे दम हेल्प मी बचाओ मुझे आ, 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 आ। तो गाइस यार ऐसी दुर्घटना ना हो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक पावरफुल विंच का इस्तेमाल किया है जो कि 1 टन तक का वजन खींच सकती है और साथ ही साथ इसे कंट्रोल करने के लिए ये स्विच है। देखो तो सिंपल सा आइडिया है, हम क्या करते हैं माउस टेप को एक्टिवेट करने के लिए ये जो पिन है इसे इस कुंदे के अंदर कुछ इस तरीके से फंसा देते हैं और फिर हम विंच को टाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर जैसे ही हम इस पिन को हटाते हैं तो गाइस यार अभी तो मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ आधी पावर के साथ में ही ऑपरेट किया है, अगर इसे फुल पावर के साथ में ऑपरेट किया जाए तो ये धमाल मचा सकता है। अभी देखो इसको टाइट करना कितना ज्यादा मुश्किल है और यहीं पर जो मशीन है वो काम आती है। देखिए ये हो गया और फिर से हमने लगा दी पिन, फिर से करते हैं इसे टाइट। लेकिन गाइस यार इसे बनाते टाइम अलग अलग डिजाइन हमने सोचे कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, कई बार हमने मशीनों का भी अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया और कई बार हमारी स्प्रिंग्स टूटी, कई बार हमने वेल्डिंग की, लेकिन अभी ये बिल्कुल सही से चल रही है। और गाइस यार इसकी जो टेस्टिंग है ना, जो फाइनल टेस्टिंग है वो भी हमने वैसे नहीं की है, हम सोच रहे थे कि वीडियो बनाते हुए ही करते हैं आप लोगों के साथ में। तो इस बार क्या करते हैं थोड़ा सा दम ज्यादा भरते हैं और फिर देखना क्या होता है। एक दो दिस इज द पावर ऑफ आवर बैड बॉय। अभी लाइक कर दो गाइस। और अब हम इसके साथ में कुछ टेस्ट करते हैं और इसकी पावर को देखते हैं कि ये कितना पावरफुल है।
तो गाइस शुरुआत करते हैं इससे, वाटरमेलन से। कहा जाता है कि जो वाटरमेलन है ना वो इंसानी खोपड़ी के बराबर इक्वल होता है, यानी कि वाटरमेलन पे जो इफेक्ट पड़ेगा उतना ही इंसान के खोपड़ी पे भी पड़ता है। तो इसके साथ में शुरुआत करते हैं और इसे रखते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से और देखते हैं कि वाटरमेलन का हाल क्या होता है। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लोड करता हूँ। राइट गाइस, एक, दो, माय गॉड, वाटरमेलन के चिथड़े चिथड़े यहाँ पर हो चुके हैं। टेस्टी वाटरमेलन, ये वाला मीठा था वैसे। अब भी उसकी पावर पे शक है। चलो यार, वाटरमेलन इजी था, लेट्स ट्राई कोकोनट। गाइस आप देख सकते हैं कि ये कितने ज्यादा मजबूत है, इसे हथौड़े से तोड़ा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 5 कोकोनट यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ और फिर देखते हैं कि हमारा माउस ट्रैप इन्हें तोड़ पाता है या फिर नहीं। एक, दो, कोपरो गया। 5 नारियल, 5ों के 5ों खत्म। गाइस कुछ भी नहीं बचा, 5 नारियल थे, 5ों से बस चटके निकली है। सब्सक्राइब कर दो जल्दी 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 जल्दी। ये GoPro भी गया। गाइस यार किसी चीज के लगने की वजह से ही नहीं, बल्कि यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ा वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी शॉक की वजह से ही इसके अंदर का इंटरनल जो सिस्टम है वो गया। 40,000 गए पानी में। अब तो कर दो वीडियो को लाइक। अच्छा, हेलमेट ट्राई करें। हेलमेट अगर मान लो कि हेलमेट किसी ने पहना हो तब उसके ऊपर लग जाए तब क्या होगा। तो हेलमेट का भी टेस्ट लेते हैं इस माउस ट्रैप के अंदर। 1, 2, 3। एक, दो, तीन। ये बेबी। गाइस, दिस इज द पावर ऑफ आवर बैड बॉय। अब आप बताओ क्या मटके बचेंगे, अभी देखते हैं। एक, दो, तीन। इसके लिए ये हमारी मैडम जी है
जिसके ऊपर हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और अभी तक भी ये सर्वाइव है। अब देखते हैं कि ये इस जायंट माउस ट्रैप वाले टेस्ट को सर्वाइव कर पाती है या फिर नहीं। तो गाइस यार आप देख सकते हैं कि अगर कोई इंसान इसके नीचे आता तो उसका हाल कुछ इस तरीके का हो जाता। लेकिन गाइस यार मैडम जी की जो किस्मत है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि इस बार जो है मैंने थोड़ा ज़्यादा ही जोश में आ गया और जोश में आने की वजह से हमारी ये जो स्प्रिंग है ये यहाँ से टूट गई। गाइस आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा टेंशन पैदा होती है कि जो स्प्रिंग है, इतना मोटा लोहा है, वो भी टूट गया है। तो गाइस यार और भी इसके साथ में एक्सपेरिमेंट्स करते करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल तो ये जो स्प्रिंग है ये टूट गई है, इसे वापस रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक टन से भी ज़्यादा मैंने इसके ऊपर लोड दे दिया था और जब जाके ये ख़त्म होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये एक्सपेरिमेंट, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके लिए ऐसी भारी भारी चीज़ें लाते हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बनता है। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।